This conference will now be recorded. चलिए ठीक है, फर्स्ट स्टार्ट करते हैं। पहले हम समझते हैं कि वेब एप्लीकेशन होता क्या है। या विशाल, आज फर्स्ट क्लास है तो फर्स्ट से ही मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। बिल्कुल फर्स्ट क्लास है और 2 और 3 डेज ये क्लासेस चलेगी, तो आप नेक्स्ट बैच में मर्ज हो सकते हैं, जो भी जिनका छूटा हुआ वो आराम से। चलो पहले वेब एप्लीकेशन को समझते हैं। और जैसे आप सबको याद होगा कि शुरू में हमने स्टार्ट किया था, तो जब भी आपने पाइथन स्टार्ट किया था तो कुछ बातें क्लियर की थी आपको। देखो मैं एक डायग्राम के साथ एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ध्यान से देखना। हमने कहा कि देखो जो पाइथन है पाइथन बेसिकली है क्या, पाइथन क्या है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। और पाइथन को यूज करके हम बनाते क्या है, पाइथन को यूज करके हम एप्लीकेशन बनाते हैं, एप्स बनाते हैं। अब क्वेश्चन उठता है कि एप्स क्या क्या बनते हैं, तो ये ऑलरेडी मैंने एक्सप्लेन किया हुआ, फिर भी मैं थोड़ा सा बताता हूँ हम लोग क्या बनाते हैं। एक तो हमने अभी तक क्या बनाया, सी यू आई बनाया, करेक्टर यूजर इंटरफेस या कंसोल यूजर इंटरफेस बनाया हुआ है। जो कंसोल यूजर इंटरफेस था जो हमने अब तक बनाया था, उसकी क्वालिटी क्या थी कि उसमें देखो जो हमारा प्रेजेंटेशन था, देखो ध्यान समझना है, इस सी यू आई के अंदर जो हमारा प्रेजेंटेशन लेयर था, प्रेजेंटेशन लेयर प्लस जो हमारे लॉजिक थे, लॉजिक या फिर हम कह सकते हैं DLL, बोथ आर ऑन सेम मशीन। जो मैं लिख रहा हूं आप लोगों को दिखाई दे रहा प्रॉपर, बोथ आर ऑन सेम मशीन, तो समझने की कोशिश करो। एक ही कंप्यूटर हुआ करता था और उस पर हम लोग क्या करते थे, हम लोग प्रेजेंटेशन लेयर भी लिखते थे और बिजनेस लॉजिक लेयर भी लिखते थे। तो हमारी जो प्रॉब्लम्स थी वो सिंगल मशीन ओरिएंटेड प्रॉब्लम थी और हमें उसको सॉल्व करने में बहुत दिक्कत नहीं होती थी, हम लोग बड़े आराम से काम करते थे, केवल पाइथन को ही समझते थे और हम लोग काम करते जा रहे थे। अब हम आगे बढ़ते हैं तो हमारे पास और भी डिफरेंट टाइप की एप्लीकेशन है सी यू आई के बाद है, जो जी यू आई है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। इसमें मेनली दो पार्ट है, एक तो हमारे पास जी यू आई में और भी बहुत से कई सारे पार्ट होते हैं। एक तो होता है हमारे पास जिसको हम कहते हैं डेस्कटॉप एप्स कहते हैं, जिसको आप बनाने के लिए क्या पढ़ोगे, आप पी के एंटर पढ़ोगे जो आपको पाइथन के कंटेंट में कराया जाएगा। ठीक है, पाइथन के कंटेंट में कराया जाएगा, लेकिन पी के एंटर की भी एक लिमिटेड डिमांड है, बहुत ज्यादा डिमांड नहीं है। मेन जो डिमांड की बात आती है वो इधर हम आते हैं हमारे पास क्या आता है, हमारे पास वेब एप्लीकेशन जी यू आई ग्राफिकल यूजर इंटरफेस में हमारे पास क्या आता है, वेब एप्लीकेशन आता है। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है वेब एप्लीकेशन आता है। अब हमें जो पढ़ना है ये वेब एप्लीकेशन पढ़ना है। इस वेब एप्लीकेशन को पढ़ने के लिए हमें एक फ्रेमवर्क यूज करना पड़ेगा, जिस फ्रेमवर्क का नाम है डीजैंगो या जैंगो करके। लेक्चर हमारा डीजैंगो का ही है। तो हम लोग वेब एप्लीकेशन बनाना चाहते हैं, तो क्वेश्चन ये उठता है कि वेब एप्लीकेशन कौन से एप्लीकेशन होते हैं, जो वेब एप्लीकेशन जिनको आप कहते हो। तो मैं एग्जाम्पल वाइज देता हूँ, मैं लिखता हूँ एप्लीकेशन दैट रन ऑन applications that run on web browser are known as web applications। ठीक है, जो applications web browser पे run होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, उनको हम web applications कहते हैं। ये बात आपको ध्यान रखना है, web applications कहते हैं। इसकी बहुत ज्यादा डिमांड है। क्यों डिमांड है, सबसे ज्यादा डिमांड इसकी मैं लिखता हूँ, इट इज ऑन हाई डिमांड बिकॉज इट इज अवेलेबल ऑन एनी मशीन विथ वेब ब्राउजर।
क्वालिटी क्या है इसकी कि आपका जो ये एप्लीकेशन है ये वेब ब्राउजर पे कहीं से भी एक्सेस किया जा सकता है। जैसे मैं फेसबुक की बात करता हूँ तो फेसबुक के लिए आपको कुछ इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं है। आप ब्राउजर ओपन करोगे और ब्राउजर ओपन करके आपको क्या करना है फेसबुक डॉट कॉम लिखना है, आपके पास ओपन होकर के आ जाएगा। लेकिन आप सोचो जो कंसोल एप्लीकेशन आप बना रहे हो क्या वो ब्राउजर से या फिर वर्ल्ड वाइड कहीं से एक्सेस हो जाएगा? तो शायद नहीं एक्सेस होगा। अगर आपके जो कंसोल और जो विंडोज एप्लीकेशन होते हैं उनको एक्सेस करने के लिए आपको इंस्टॉलेशन की जरूरत होगी। बगैर इंस्टॉलेशन वो सारी चीजें इंस्टॉल नहीं होती है, वो सारी चीजें चलती नहीं है। तो हमें वेब का सबसे जो बड़ा बेनिफिट है वो बेनिफिट यही है कि हम लोग क्या कर सकते हैं इसको कहीं से भी एक्सेस कर सकते हैं थ्रू द ब्राउजर। ये पहला पार्ट है। अब जब ब्राउजर से एक्सेस करते हैं तो क्या रोल होता है, कैसे ये हर जगह से एक्सेस होता है, इसको समझने के लिए हम वेब एप्लीकेशन की थ्योरी समझते हैं कि वेब एप्लीकेशन की थ्योरी है क्या। इसके लिए मैं एक दूसरा पेज ओपन करता हूँ, वेब एप। अब इसको मैं डायग्राम के साथ समझाऊंगा वेब ऐप की थ्योरी को, आपको ध्यान से समझना है वेब ऐप की थ्योरी क्या होती है। मैं इसके लिए क्या करूं, अगर आप वेब एप्लीकेशन तो आपके लिए इम्पोर्टेंट पार्ट क्या है, आपका क्या है आपको कंप्यूटर पड़े एक रहते हैं एक क्या कोई स्पीकर ऑन किया है, कुछ प्रॉब्लम हो रही है? जिसका स्पीकर ऑन है ऑफ कर लेगा। कोई प्रॉब्लम होगी तो आप चैट बॉक्स में या फिर बोल के। मैंने कहा क्या कि वेब एप्लीकेशंस करते हैं तो इसमें क्या है कि हमारे पास कहते हैं वॉइस ब्रेक। मेरी मेरी कुछ देख भी रहा हूँ यहाँ पर आ जा रही है। चलिए मेरे ख्याल से है। स्क्रीन को रिस्टार्ट कर मैं देख रहा हूँ थोड़ा कुछ प्रॉब्लम अगर इस ब्रेक हो रही है। मैं अभी देख रहा हूँ कि जब भी 30 का लेक्चर स्टार्ट होता है उस समय जरूर थोड़ी बहुत वॉइस ब्रेक होती है, थोड़े टाइम बाद स्टेबल हो जाता है। आइए मैं नहीं यार अभी मेरे ख्याल से स्क्रीन दिख रहा है और मेरी आवाज भी आ रही होगी। मेरी आवाज आ रही है सभी को? स्क्रीन भी दिखाई दे रहा है? स्टार्ट करूं? ऋषभ लिख रहे हैं कि आवाज नहीं आ रही है। मेरे ख्याल से आ रही होगी सभी को, स्क्रीन भी अब दिख रहा है। चलिए ठीक है, मैं कुछ बता रहा था, कोशिश करते हैं फिर थोड़ा सा बढ़ते हैं। मेरे ख्याल से 5-10 मिनट्स में चीजें स्टेबल हो जाएंगी। चलिए ठीक है, मैंने कहा कि हमें क्या करना है, हमें समझना है वेब एप्लीकेशन को समझना है। तो वेब एप्लीकेशन में मेनली हमारे पास एक मशीन होता है जिसको हम कहते हैं क्लाइंट, एक मशीन होता है जिसको हम कहते हैं क्लाइंट, और हमारे पास यहाँ पर ये इंटरनेट और इंटरनल कनेक्शंस होता है जिसको हम यहाँ पर हम कह सकते हैं ऐसा इंटरनेट, मैं इंटरनेट कह सकता हूँ। और यहां से दूर कहीं एक दूसरे प्लेस पे क्या होगा, दूसरे प्लेस पे हमारे पास यहाँ पर एक सर्वर होगा। ये मशीन क्या होगा? सर्वर होगा।
ठीक है, हमारे पास दो मशीन है, एक क्लाइंट और एक सर्वर है। अब ध्यान रखना है कि सर्वर तो हमेशा एक ही होता है नॉर्मली, और क्लाइंट्स मल्टीपल हो सकते हैं। यहाँ और क्लाइंट हो सकता है, यहाँ और भी क्लाइंट हो सकते हैं, यहाँ भी क्लाइंट हो सकता है और यहाँ भी क्लाइंट हो सकता है, और डिफरेंट डिवाइसेस क्लाइंट के पास हो सकती है, बहुत सारे क्लाइंट हो सकते हैं। अब समझने की कोशिश करो कि आपके पास क्या होगा, आपके पास जो ये क्लाइंट मशीन है, इस क्लाइंट की रिक्वायरमेंट क्या होगी, इस क्लाइंट मशीन पे होगा क्या, क्लाइंट मशीन पे होता क्या है। तो नंबर वन, इसकी बेसिक रिक्वायरमेंट है कि इसके पास होना चाहिए वेब ब्राउजर। बेसिक रिक्वायरमेंट क्या है, इसकी वेब ब्राउजर होनी चाहिए। तो आप समझो जरा, अगर आप अपने कंप्यूटर की बात करो तो सभी के कंप्यूटर पे वेब ब्राउजर है। तो आपसे मैं कहूँ कि क्लाइंट मशीन को ओपन करो, तो आपको क्या करना, सिंपल कोई भी वेब ब्राउजर ओपन करना है जहां से आप ओपन कर सकते हो। ठीक है, आप समझ जा रहे हैं, वेब ब्राउजर ओपन करोगे, देखना ध्यान से समझना चीजों को, हम समझने की कोशिश करते हैं। वेब ब्राउजर ओपन करोगे तो वेब क्लाइंट्स के पास वेब ब्राउजर है, और यहाँ पर कोई फाइल एक्सेस करने का तरीका क्या होगा समझने की कोशिश करना। जैसे मैं एक डायग्राम बनाता हूँ, मैं कहता हूँ क्या हमारे पास ये वेब ब्राउजर है, और यहाँ पर आप टॉप पे कुछ लिखते हो, टॉप पे कुछ लिखते हो, क्या लिखते हो, आप ऐसे लिख सकते हो HTTP, ये हमारा प्रोटोकॉल है HTTP, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल के थ्रू हम डेटा एक्सेस करते हैं। फिर हम कहते हैं क्या, इसके आगे लिखते हैं, आप ऐसे लिखते हो कुछ google.com, समझने की कोशिश करो। तो आप देखते हो कि जब ये URL हिट करते हो, आप यहाँ लिखने के बाद ये क्या करते हो, एंटर हिट करते हो, एंटर करते हो, तो होता क्या है कि यहाँ से वेबसाइट ओपन होकर के आती है, मीन्स कोई डेटा, कोई रिस्पॉन्स आपके पास आता है। हम अपने प्रोग्राम में इस URL को लिख करके ही वेबसाइट को ओपन करेंगे, अपनी वेबसाइट को भी ओपन करेंगे। नॉर्मली पहले जैसे प्रोग्राम को रन कराते थे वैसे नहीं कराएंगे, अब हम ब्राउजर के थ्रू, URL के थ्रू अपने प्रोग्राम को एक्सेस करेंगे। अब होगा क्या समझने की कोशिश करो, जब आप इस URL को हिट करते हो तो ये URL हिट करने के बाद ये कहाँ पे जाता है, ये सर्वर पे जाता है, समझने की कोशिश करना, ये हिट करने के बाद सर्वर पे जाता है। और ये जो सर्वर है, इस सर्वर पे क्या क्या होगा समझने की कोशिश करो, इस सर्वर पे इसकी रिक्वायरमेंट क्या है, मैं पहले रिक्वायरमेंट लिखता हूं इसका, सर्वर की क्या क्या रिक्वायरमेंट है मैं पहले लिखता हूं। देखो हमारे पास, हम लोग डिजेंगो पढ़ रहे, तो डिजेंगो होगा कहाँ, सर्वर पे क्या होगा समझने की कोशिश करो। नंबर वन, इसकी रिक्वायरमेंट क्या होगी, सबसे पहले क्या है कि हमारा जो सर्वर होगा उसके पास क्या होना चाहिए, उसके पास पाइथन होना चाहिए। ध्यान समझना, क्लाइंट पे नहीं होगा पाइथन, जिस मशीन से आप डेटा एक्सेस कर रहे हो, ब्राउजर एक्सेस कर रहे हो, उसके पास पाइथन होना जरूरी नहीं है, लेकिन सर्वर पे पाइथन होना जरूरी है, क्योंकि हम लोग पाइथन पे काम कर रहे हैं। तो हमने कहा कि हमारे पास इस मशीन पे पाइथन है। नंबर टू, देखो ध्यान दो, हाँ किसी को इशू आ रहा है, कोई प्रॉब्लम आ रहा है तो बोल सकता है, या सबको सारी चीज समझ में आ रही है, आप यस लिख सकते हो अगर सारी चीजें अच्छे से चल रही है तो, अगर प्रॉब्लम हो रही है तो आप बता सकते हो। चलिए ठीक है, और ध्यान से समझने की कोशिश करना, एक बार आपको बेसिक समझ में आएगा तो बड़े अच्छे से आप डिजाइनों को लेकर के चल सकते हो। अब देखो, इस मशीन पे पाइथन होना चाहिए, और साथ में क्या होना चाहिए, इस मशीन पे डिजाइनों भी होना चाहिए, एक तो पाइथन होना चाहिए और साथ में डिजाइनों होना चाहिए, और तीसरी चीज क्या होनी चाहिए, यहाँ पर डेवलपमेंट सर्व, यहाँ पर क्या होना चाहिए, ये सर्वर है भी, सर्वर दैट रन वेब एप्लीकेशन, सर्वर दैट रन वेब एप्लीकेशन, इट मे बी, ये क्या क्या हो सकता है, कौन कौन से सर्वर हो सकते हैं, मैं कुछ के नाम लिख देता हूं। ये हो सकता है IIS, एक सर्वर IIS हो सकता है, या फिर अपाचे, अपाचे हो सकता है, टॉमकैट हो सकता है, अब टॉमकैट नॉर्मली लोग यूज नहीं करते हैं, लेकिन फिर भी मैं लिख देता हूँ, अपाचे हो सकता है और टॉमकैट भी हो सकता है, नीचे नहीं लिखा मैंने, हो रहा है, चलो ठीक है। तो इस टाइप के सर्वर होने चाहिए। तो आप रिक्वायरमेंट समझने की कोशिश करो कि जो आपकी सर्वर मशीन है, उस सर्वर मशीन पे पाइथन, डिजांगो और सर्वर मशीन होनी चाहिए। अब मैंने जो ये डायग्राम बनाया, इस डायग्राम में अगर मैं आपसे कहूं कि सर्वर के पास क्या हम पाइथन के कोड को रन करा सकते हैं, तो आंसर क्या होगा, यस वी कैन रन पाइथन कोड एट सर्वर मशीन। क्यों, क्योंकि सर्वर के पास पाइथन का इंटरप्रेटर है, पाइथन का सॉफ्टवेयर है, तो हम बड़े आराम से सर्वर पे रन करा सकते हैं, किसको, पाइथन को रन करा सकते हैं। ठीक है,
अब समझने की कोशिश करो कि क्लाइंट पे क्या रन होगा। तो क्लाइंट पे क्या रन होगा इस बात को मैं एक्सप्लेन करूं, ध्यान समझना। क्लाइंट और वेब ब्राउजर, मैं यहाँ पर लिखता हूँ, यहाँ पर एक चीज लिखता हूँ, क्लाइंट और ब्राउजर कैन रीड, कैन रीड ओनली HTML। देखो, टॉमकेट एप्लीकेशन सर्वर है, वेब एप्लीकेशन सर्वर नहीं है। टॉमकेट पे वेब एप्लीकेशन नहीं चलता है विशाल। नहीं सर, कंफर्म चेक किया हो आपने? नो सर, मैं एक्चुअली सर वो डाउट बोले मैं सर, एक्चुअली सर आप थोड़ा सा वो कंफर्म कर दिए ना कि सर मीन्स वेब एप्लीकेशन और जो एप्लीकेशन सर्वर होता है सर, उसमें मीन्स क्या डिफरेंस है सर? देखो, एप्लीकेशन सर्वर जो आप टॉमकेट करो, मेरे ख्याल से टॉमकेट पे भी पहले तो अपाचे से पहले टॉमकेट ही लोग यूज करते थे एप्लीकेशन, वेब एप्लीकेशन रन कराने के लिए। एप्लीकेशन सर्वर अलग से कुछ कहने का कोई पॉइंट नहीं है हमारे पास। सर्वर हम जिसको कह रहे हैं जो मल्टीपल क्लाइंट्स को सपोर्ट करता है, तो वो सबके सब वेब एप्लीकेशन ही होते हैं। ओके सर, बाकी मैं और ओके टॉमकेट के बारे में कंफर्म करके आपको बता दूंगा, ठीक है ओके विशाल? सर, ओके सर, ठीक, चलिए ठीक है। तो मैंने कहा कि क्लाइंट और ब्राउजर कैन रीड ओनली HTML। अब समझने की कोशिश करना है कि ये क्लाइंट HTML जानता है और क्लाइंट को HTML ही देना पड़ेगा। और HTML है क्या? अगर हम कहें आपसे पूछे व्हाट इज HTML, तो आप कह सकते हैं HTML इज ए मार्कअप लैंग्वेज दैट इज यूज फॉर डिजाइनिंग पर्पज। एप्लीकेशन एक डिजाइनिंग पर्पज के लिए हम HTML यूज करेंगे। और डिजाइन क्या होगा? डिजाइन लाइक ऐसा, आप कह सकते हो कि डिजाइन कैसा दिखता है, जैसे आप कोई पेज बनाते हो, आप अंकित शर्मा, सर्वर लाइक डेटाबेस, नहीं सर्वर लाइक डेटाबेस नहीं, सर्वर लाइक, चलो ठीक है मैं थोड़ा सा सर्वर एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो मैंने कोशिश करना, अंकित, सर्वर लाइक डेटाबेस नहीं होता है, सर्वर लाइक ऑपरेटिंग सिस्टम जैसे सर्वर होते हैं जो सपोर्ट करते हैं। मैं आपको बताता हूँ कुछ चीजें वेब एप्लीकेशन के लिए कौन कौन से सर्वर है। देखो, हमारे पास सर setting.py फाइल शुरू हो गई एक्सप्लेन होना। नहीं, अभी नहीं एक्सप्लेन होगा, अभी setting.py फाइल आज के लेक्चर में थोड़ा डिफिकल्ट एक्सप्लेन होना, फिर भी अगर कुछ हो पाए तो ठीक है, हम करेंगे। ठीक है, अभी टाइम लगेगा क्योंकि बैकअप शुरू से ले रहा है, अभी तो इंस्टॉलेशन भी मुझे बताना है चीजों का, तो अभी टाइम लगेगा थोड़ा सा, ठीक है। चलिए, तो मैं क्या कह रहा था, मैं यहाँ पर कह रहा था कि हमारे पास क्लाइंट के पास ब्राउजर HTML आएगा, यहाँ पर HTML आएगा। तो समझना जरा प्रोसेस को समझना, मैं दोबारा से यहाँ पर इसी डायग्राम में चल रहा हूँ। यहाँ पर पाइथन का कोड देखो, यहाँ पर हमारे पास क्या है, पाइथन है मेनली, तो पाइथन है, और पाइथन कोड से हमें जनरेट क्या करना है, हमें पाइथन कोड से जनरेट करना, देखो जनरेट करना है कौन सा कोड, HTML कोड। तो मेन प्रोसेस क्या होगा हमारे पास, जब भी आपके पास सर्वर पे कोई रिक्वेस्ट आएगी तो अपने पाइथन के प्रोग्राम से आपको क्या जनरेट करना है, आपको HTML कोड जनरेट करना है, और जो ये HTML कोड जनरेट होगा उसको आपको क्लाइंट पे भेज देना है। ये पूरा का पूरा प्रोसेस होगा अगर हम लोग वेब एप्लीकेशन को समझने की कोशिश करेंगे तो। और देखो, एक टर्म यूज होता है जो मैं अभी बता देता हूँ आपको, एक टर्म क्या है, पाइथन के थ्रू HTML जनरेट करने वाले कोड को हम लोग एक प्रोसेस का नाम देते हैं, जिस प्रोसेस को कहते हैं रेंडर। रेंडर कहते हैं, एक प्रोसेस है जिसको रेंडर कहते हैं, इसकी डेफिनेशन मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। रेंडर इज ए प्रोसेस, मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, रेंडर इज ए प्रोसेस बाय विच वी कन्वर्ट, बाय विच वी कन्वर्ट कन्वर्ट आवर आवर कोड इनटू HTML। HTML में कोड कन्वर्ट करते हैं हम लोग, तो ये रेंडर प्रोसेस हम लोग बीच में यूज करेंगे, जिसके थ्रू सर्वर का काम होगा, आप रिक्वेस्ट करोगे तो वो रेंडर करके डेटा आपके पास भेज देगा और वो डेटा आप यूज कर पाओगे। अब यहाँ पर कई सारी चीजें रोल प्ले करती हैं, क्या क्या रोल प्ले करती हैं मैं आपको बताता हूँ, थोड़ा सा ध्यान समझना। एक नया पेज मैं ओपन करता हूँ,
और पहले से डायग्राम वाइज हम लेकर के चलने की कोशिश करते हैं, क्लाइंट और सर्वर लेकर के चलने की कोशिश करते हैं एक बार। और हमने कहा कि ये हमारे पास क्लाइंट है और ये हमारे पास सर्वर है, मैं दोनों को अलग अलग रखता हूँ। आप मैंने रेंडरिंग बता दी, ये सारी चीजें बता दी, अब इसके बाद हम कर क्या रहे हैं हम देखने की कोशिश करते हैं। हमारे पास क्लाइंट हो गया और हमारे पास सर्वर भी हो गया। मैंने अभी अभी आपको बताया कि रेंडर करके डेटा हम यहाँ पर भेजते हैं। अब समझने की कोशिश करो, ये जो सर्वर है, इस सर्वर पे जो अलग अलग फाइल रखी हुई होंगी और उसमें किसका क्या रोल आएगा, मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ, ध्यान समझना। इस सर्वर पे आपने पाइथन लोड किया हुआ है, जैसा मैंने पीछे बताया, मीन्स पाइथन का इंटरप्रेटर यहाँ पर होगा। अब समझो जरा, यहाँ पर जो फाइल्स होंगी वो क्या क्या फाइल्स हो सकती हैं। यहाँ पर जो फाइल्स होंगी वो .html हो सकता है, अगर HTML फाइल है तो .html हो सकता है, और अगर पाइथन फाइल है तो .py फाइल होगा, पाइथन फाइल है तो .py फाइल होगा। अब समझने की कोशिश करो कि क्लाइंट क्या करता है। मान लो क्लाइंट एक रिक्वेस्ट करता है, ध्यान समझना, क्लाइंट जो है एक रिक्वेस्ट करता है, एक URL के थ्रू रिक्वेस्ट करता है। मैं URL यहाँ पर लिख रहा हूँ, सभी लोग ध्यान से सुनेंगे, एक URL लिख रहा हूँ। मैंने कहा HTTP:// मैंने कहा क्या, एक URL इस टाइप से दे रहा हूँ, IP address 127.0.0.1, और मैंने कहा :8000, और यहां पर मैंने कहा क्या, ये URL मैंने यहां पर कहा क्या, यहां पर एक URL मैंने दे दिया ABC। अब समझने की कोशिश करो, जब आप ये URL देते हो तो ये जब आप ये URL देते हो तो ये क्या करता है, रिक्वेस्ट फॉर ए पेज। ध्यान समझना, रिक्वेस्ट फॉर ए पेज, ये किसी पेज के लिए रिक्वेस्ट करता है। अब समझो जरा, रिक्वेस्ट फॉर ए पेज करेगा तो पेज क्या हो सकता है, अगर पेज इफ पेज इज HTML, ध्यान समझना, इफ पेज इज HTML देन नो इशू। इफ पेज इज HTML, अगर सर्वर पे HTML पेज है तो कोई इशू ही नहीं है। सर्वर क्या करता है, सर्वर डायरेक्ट डायरेक्ट सेंड दिस पेज टू क्लाइंट, सर्वर डायरेक्ट सेंड दिस पेज टू क्लाइंट, ये पेज को डायरेक्ट सेंड कर देगा। प्रॉब्लम कहाँ होती है, प्रॉब्लम समझने की कोशिश करना। दूसरी प्रॉब्लम क्या होगी, दूसरी प्रॉब्लम क्या होगी, इफ इफ पेज इज पाइथन पेज मीन्स .py पेज। अब इस समय देखो, ध्यान समझे, इस समय किसका रोल आता है, ध्यान समझने की कोशिश करना। पाइथन पेज जो है, अगर .py पेज है फिर क्या होगा, समझने की कोशिश करो। इस केस में क्या होता है, इस केस में हमारे पास एक गेटवे इन्वॉल्व होता है। इस केस में हमारे पास क्या होता है, देखो ध्यान समझना, सर्वर है, इस केस में क्या होगा, टू हैंडल दिस सिचुएशन टू हैंडल दिस सिचुएशन सर्वर हैव ए प्रोग्राम विथ नेम CGI। ध्यान समझना, CGI, CGI क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं कॉमन गेटवे इंटरफेस। मेरे पास समझना, किसी कोई डाउट हो रहा है तो पूछ सकता है। अब समझने की, प्रॉपर समझने की कोशिश करना, रिक्वेस्ट क्या, तो HTML हो सकती है, HTML होगी तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, वो डायरेक्ट चला जाएगा। अगर रिक्वेस्ट कैसी होगी, रिक्वेस्ट अगर पाइथन वाली फाइल की होगी तो ये डायरेक्ट एक्सेस नहीं होगा। इसके लिए सर्वर के पास एक प्रोग्राम होता है जिसको कहते हैं CGI, कॉमन गेटवे इंटरफेस। और अगर हम पाइथन पढ़ेंगे तो पाइथन में CGI का जो प्लेस है वो
इन केस ऑफ पाइथन सीजीआई ना हो करके क्या है डब्ल्यू एस जी आई, डब्ल्यू एस जी आई है जिसकी फुल फॉर्म क्या है वेब सर्वर गेटवे इंटरफेस, वेब सर्वर गेटवे इंटरफेस, वेब सर्वर गेटवे इंटरफेस। अच्छा मेरे क्वेश्चन का आंसर देना, जो मैं लिख रहा हूं वो आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, जो मैं लिख रहा हूं वो आपको दिखाई दे रहा है प्रॉपर, सब पढ़ने में आ रहा है तो यस लिख सकते हो, अगर पढ़ने में दिक्कत हो रही है तो मैं टाइप भी कर सकता हूँ, मेरे ख्याल से समझ में आ रहा है। तो ये मैं ये स्क्रीन इसलिए यूज कर रहा हूँ कि आपको फील हो कि आप बोर्ड पे क्लासरूम वाली ट्रेनिंग पढ़ पा रहे हो, अदरवाइज मैं टाइप करता, लेकिन टाइप करने से इतना फ्लो नहीं बन पाता है तो मैं इसलिए ये स्क्रीन यूज कर रहा हूँ। चलिए ठीक है, हमें नहीं कोशिश करना। अब ये सिस्टम है तो आपसे इंटरव्यू का एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है, व्हाट इज द रोल ऑफ सीजीआई या डब्ल्यूएसजीआई, पाइथन डिजेंगो पढ़ते हो इंटरव्यू देने जाओगे तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो मैं इसका रोल बताता हूँ कि व्हाट इज द रोल ऑफ सीजीआई और डब्ल्यूएसजीआई, ठीक है। इसका रोल क्या होता है देखो ध्यान समझना, इसका रोल क्या है मैं लिखता हूँ, रोल ऑफ सीजीआई और WSGI, तो क्या करता है इट चेक एक्सटेंशन ऑफ फाइल इफ इट इज डॉट पी वाई then automatically call Python interpreter to run dot py file, देखो टू रन पी वाई फाइल एंड सेंड रेंडर आउटपुट टू क्लाइंट, इतना हम समझ सकते हैं। देखो ध्यान समझना कि अगर कभी भी कोई pi.py फाइल आएगी तो उस समय जरूर हमारे पास CGI का रोल आ जाएगा। CGI क्या करता है PY फाइल को पाइथन इंटरप्रेटर से जोड़ता है और काम करना स्टार्ट कर देता है, वो रिक्वेस्ट आपके ऊपर जैसे रिक्वेस्ट हो तो उसके हिसाब से ये काम करेगा। तो मेन कंसर्न हमारा ये था, अगर हम बात करते हैं वेब की बात करते हैं तो ये एक पॉइंट था जिसपे हम काम कर सकते हैं, जिसपे हम काम कर सकते हैं, अपने फोल्डर बना सकते हैं, अपने सर्वर बना सकते हैं जिसमें हम काम कर सकते हैं। तो देखो समझने की कोशिश करना आगे। अब मैं क्या कहता हूँ अब ध्यान से देखना, ये क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर ये सारा कुछ बना दिया मैंने, अब मुझे क्लाइंट भी बनाना है सर्वर भी बनाना है। अब सर्वर जहां भी होगा, मान लो सर्वर इंटरनेट पे कहीं है तो जो आप प्रोग्राम बनाओगे उस प्रोग्राम को सर्वर पे तो रखोगे। अब जब आप प्रोग्राम को सर्वर पे रखोगे तो सर्वर पे कहीं ना कहीं कोई फोल्डर बनेगा, उस फोल्डर के बारे में मैं थोड़ा सा फिर दिखा देता हूँ आपको और पाथ के बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। ध्यान समझना, एक नया पेज मैं लेता हूँ और मैं लिखता हूं फिजिकल पाथ, वर्चुअल फिजिकल पाथ एंड वर्चुअल पाथ। ये मैं पॉइंट्स थोड़ा सा और एक्सप्लेन करूं आपको, ध्यान समझना, ये फिजिकल पाथ और वर्चुअल पाथ क्या है जिसके बेसिस पे होगा। देखो होगा क्या कि मान लो आप क्या करते हो, ध्यान समझना, कि आपके पास जो सर्वर मशीन होगी, जहां भी सर्वर मशीन होगी, कुछ लोग कुछ लिख रहे हैं सीजीआई एंड डब्ल्यू एस जी आई दोनों पाइथन में यूज होते हैं सर, नहीं देखो जो सीजीआई का है, सीजीआई बड़ा कॉमन सा नेम है, कॉमन गेटवे इंटरफेस, जो पाइथन में यूज होता है वो डब्ल्यू एस जी आई होता है, वेब सर्वर गेटवे इंटरफेस, और डब्ल्यू एस जी आई इज ए सीजीआई,
मीन्स कॉमन गेटवे इंटरफेस का ही नाम यहाँ पर क्या है, WSGI। क्लियर है? पाइथन में क्या यूज होता है, पाइथन में WSGI होता है इन प्लेस ऑफ CGI। CGI बिल्कुल कॉमन नेम है, उसको पाइथन ने अपने हिसाब से नेम दिया हुआ WSGI। मेरी बात समझ आ रही है? चलिए ठीक है, समझ आ रही होगी। अब मैं क्या करता हूँ, मैं आगे लिखता हूँ। देखो फिजिकल एंड वर्चुअल पाथ की बात करता हूँ। जब भी आप कोई सर्वर बनाओगे या सर्वर पे कुछ डेटा अपना अपलोड करोगे तो सर्वर के स्टेट को समझने की कोशिश करना। हम ये कहते हैं क्या कि हमारे पास यहाँ पर ये हमारा जो है सर्वर मशीन है, और सर्वर मशीन पे आप क्या करोगे, आप कहीं ना कहीं सर्वर अपने प्रोजेक्ट को रखने के लिए फोल्डर बनाओगे। तो हमने क्या किया कि मान लो सर्वर के अंदर आपने सी ड्राइव के अंदर, ध्यान समझना, सी ड्राइव के अंदर एक फोल्डर बनाया। मैंने कहा माय सर्वर टू के नाम से फोल्डर बनाया। आपको क्या करो, आपने मान लो माय सर्वर टू के नाम से फोल्डर बनाया, उसके अंदर आपने फोल्डर बनाया प्रोजेक्ट वन, प्रोजेक्ट वन, और इसके अंदर सभी के सभी फाइल्स हैं, इसके अंदर सभी के सभी फाइल्स। अब ध्यान समझना, अब सर्वर के अंदर ये जो पार्ट है एक्चुअल में इसके अंदर जो भी फाइल्स है, मान लो इसके अंदर कोई फाइल होगी डॉट पी वाई डॉट एच टी एम एल, ऐसी फाइल्स होंगी। अब समझने की कोशिश करना, क्लाइंट क्या करेगा, क्लाइंट क्या करेगा, क्लाइंट तो यहां से कभी भी फिजिकल पाथ नहीं देता। अगर मैं इस क्लाइंट की बात करूं, मैं इस क्लाइंट की बात करूं तो क्लाइंट कभी भी फिजिकल पाथ नहीं देगा। तो ध्यान से समझने की कोशिश करो, क्लाइंट क्या करेगा, क्लाइंट यहाँ पर एक यूआरएल टाइप करेगा ब्राउजर के ऊपर। यूआरएल क्या टाइप करेगा, कुछ ऐसे HTTP, कॉलन डबल स्लैश, हमने कहा क्या यहाँ लिखा हुआ आएगा, हमने कहा 127.0.0.1 या google.com ऐसा कुछ, और फिर यहाँ पर कॉलन, हमने हमारे एग्जांपल में ऐसा लिखा हुआ आएगा, और यहाँ पर कुछ नाम दे दिया लाइक ABC। ये URL है, मान लो ये URL, ये जो URL है इसको हम क्या कहेंगे, इसको ध्यान समझना, इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम कहेंगे वर्चुअल पाथ, इसको हम कहेंगे वर्चुअल पाथ। जिस पाथ पे हमको क्या करना है, इस पाथ को हमें किससे कनेक्ट करना है, इसको कनेक्ट करना है किसी फाइल से, इस वाली फाइल से कनेक्ट करना है, तो इसके लिए कुछ ना कुछ काम करने होंगे तब ये कनेक्ट होगा। तो देखो हम जो फोल्डर यहाँ रखेंगे, यहाँ पर सर्वर है और सर्वर उस इस पाथ के थ्रू उस फाइल को कनेक्ट करेगा और हम लोग उसको एक्सेस कर पाएंगे। तो ये पार्ट पढ़ने के लिए कि वो फाइल कैसे एक्सेस होगा, लेकिन ध्यान समझना, क्लाइंट पे एक इसको, ये हमारा क्या है, ये हमारा URL है, इस URL को हम लोग मैप करते हैं। मीन्स यहाँ पर क्या होगा, URL की मैपिंग होगी, मैपिंग होगी, और किसके थ्रू होगी, मैपिंग होगी, और जिसके भी थ्रू होगी, किसी फाइल के थ्रू मैप होगी। वो मैपिंग मुझे आज सिखाना है, क्योंकि मैपिंग कैसे होती है फाइल्स की वो आपको मैं सिखाऊंगा, लेकिन पहले मैं आपको बता दूं कि क्लाइंट कैसे बनाओगे, सर्वर कैसे बनाओगे। ठीक है, मैक्सिमम लोग आप में से जानते हैं मेरे ख्याल से, ऐसा है, ये बताओ कि आप में से कितने लोग ऐसे हैं जिनके कंप्यूटर पे Django इंस्टॉल नहीं है, या मुझे सिखाना है, नहीं सिखाना तो मैं आगे चला जाऊंगा। जिनमें इंस्टॉल नहीं है वो लिख सकते हैं, तो मुझे सिखाना पड़ेगा, इंस्टॉल करना नहीं आता तो मैं सिखाता हूँ, अदरवाइज इस टॉपिक को बाईपास कर दूंगा। नहीं है रिसब में, नहीं है इंस्टॉल, नहीं है विशाल में, इंस्टॉल नहीं है, तो ठीक है मैं इंस्टॉलेशन सिखाता हूँ, मैं इंस्टॉलेशन सिखाता हूँ आपको, इंस्टॉलेशन समझो जरा, इंस्टॉलेशन भी इम्पोर्टेंट है, तो सभी लोग पैरेलली इंस्टॉल भी करेंगे। इंस्टॉलेशन प्रोसेस में यहाँ लिख देता हूँ, इंस्टॉलेशन में आपको क्या क्या करना है, स्टेप्स जो मैं बता रहा हूँ सभी को फॉलो करना है वो स्टेप्स, और उस स्टेप्स को फॉलो करके आप काम कर सकते हो। ठीक है, तो देखो जरा स्टेप्स क्या है, ये मैंने बताने के बाद अब मैं एक नेक्स्ट पेज ओपन करता हूँ, और मैं कहता हूँ इंस्टॉलेशंस ऑफ Django, इंस्टॉलेशन ऑफ Django, उसमें हमें क्या क्या रोल, क्या क्या हमें फॉलो करना पड़ेगा इंस्टॉलेशन में, मैं आपको दिखाता हूँ, थोड़ा सा ध्यान से समझेंगे आप सभी, तो चीजें क्लियर हो जाएंगी।
इंस्टॉलेशंस को डिजेंगो में इंस्टॉल करने के लिए हमें कुछ, आपको अपने कंप्यूटर पे कुछ बात ध्यान रखनी पड़ेगी। आपको ध्यान ध्यान क्या रखना पड़ेगा, पहला कि आपके कंप्यूटर में ये इंस्टॉल करने से पहले रिक्वायरमेंट क्या होना चाहिए। रिक्वायरमेंट क्या होना चाहिए, नंबर वन रिक्वायरमेंट आपके पास पाइथन होना चाहिए। पाइथन मेरे ख्याल से सभी में पाइथन इंस्टॉल्ड होगा। कुछ लोग जो है कुछ लोग और भी कई सारी चीजें यूज कर रहे होंगे, लाइक अनाकोंडा यूज कर रहे होंगे, उसके साथ स्पाइडर यूज कर रहे होंगे, कुछ लोग विजुअल कोड यूज कर रहे होंगे, तो ऐसे कई सारे सॉफ्टवेयर भी यूज कर रहे होंगे आप लोग। कुछ लोग पाइचाम यूज कर रहे हैं, मैं यहाँ पर पाइचाम से करके दिखाऊंगा पहले, लेकिन फिर भी समझो आपके पास पाइथन लोड होगा। आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले क्या करना है, सेट एनवायरमेंट वेरिएबल, वेरिएबल फर्स्ट। सबसे पहले आपको एनवायरमेंट वेरिएबल सेट करना है, सेट एनवायरमेंट वेरिएबल फर्स्ट फॉर कमांड एक्सेस, फॉर कमांड एक्सेस। मैंने मैक्सिमम लोगों को सिखाया, फिर भी हम देखते हैं एनवायरमेंट वेरिएबल सेट करना है तो प्रोसेस क्या होगा इसका, मैं यही रिपीट करता हूं, मैं दिखाता हूं एनवायरमेंट वेरिएबल सेट करने के लिए आप लोग क्या करोगे। तो इसके लिए भी हम स्टेप नंबर ए क्या करेंगे, सर्च पाथ ऑफ पाइथन इंटरप्रेटर। आपको क्या करना है, पाइथन इंटरप्रेटर का पहले पाथ एक्सेस करना है, ठीक है। कैसे पाथ एक्सेस करोगे, तो इसका मैं तरीका यहां लिख भी देता हूं, इसका तरीका क्या है, नंबर इसमें तरीका क्या है, नंबर वन सर्च सर्च आइडियली एली, देन आपको क्या करना है, आरसी आरसी पर राइट क्लिक, देन ओपन फाइल लोकेशन, ओपन फाइल लोकेशन, देन अगेन शॉर्टकट फाइल आपको मिलेगी, फिर यहां पर क्या करना, फिर राइट क्लिक करना है और फिर क्या करना है, ओपन फाइल लोकेशन। मैंने यहां लिख दिया आपके समझने के लिए, ये काम करना है। तो देखो इस प्रोसेस को फॉलो करके हम कैसे करें, देखो पहला प्रोसेस क्या है, सबसे सभी इसको फॉलो करेंगे, जिनका हुआ है तो भी नहीं हुआ तो भी ठीक है, आप ये फॉलो प्रोसेस करोगे। मैंने लिख भी दिया हम क्या करते हैं, हमने कहा आईडीएलई, सभी में आईडीएलई आ रहा होगा, आईडीएलई 3.8 3.7 कुछ भी फर्क नहीं पड़ता, ये आईडीएलई आना चाहिए, ठीक है। अब मैंने कहा आईडीएलई पे क्या करना है, आपको राइट क्लिक करना है और क्या करना है, ओपन फाइल लोकेशन। मेरे ख्याल सभी देख पा रहे होंगे, आईडीएलई पे राइट क्लिक करना है, ओपन फाइल लोकेशन, और हम क्या कर रहे हैं यहां से ओपन फाइल लोकेशन पे, फाइल लोकेशन ओपन कर दिया, फाइल लोकेशन ओपन कर दिया। इसमें देखो आईडीएलई का शॉर्टकट आ रहा है टॉप पे, अब मैं क्या करूं, इस पे दोबारा से राइट क्लिक कर रहा हूं और राइट क्लिक करने के बाद अगेन आ रहा है हमारे पास ओपन फाइल लोकेशन। आपको ओपन फाइल लोकेशन पे क्लिक करना है, अब देखो ध्यान से, ओपन फाइल लोकेशन पे क्लिक करोगे तो यहाँ पर मेरे में python.exe दिखाई दे रहा है, कुछ लोगों में python.exe दिख रहा होगा या फिर केवल पाइथन दिख रहा होगा, अगर पाइथन भी दिख रहा है तो वो python.exe ही है, पाइथन और python.exe। तो ये हमारा इंटरप्रेटर है, जिस इंटरप्रेटर से हम क्वेश्चन पूछते हैं कि भाई तुम प्रोग्राम को रन कराओ, यही पाइथन इंटरप्रेटर है जो आप अब तक आपके सभी प्रोग्राम को रन करा रहे हैं। तो आपको ध्यान रखना है ये इंटरप्रेटर, इसका पाथ हम टॉप से ले सकते हैं, देखो इसका पाथ हम टॉप, जैसे ही आप एड्रेस बार को सेलेक्ट करोगे इसका पूरा का पूरा पाथ आ जाएगा, आप यहाँ से कॉपी कर सकते हो। लेकिन आपको कॉपी क्या करना है, ध्यान से समझा, आपको कॉपी क्या करना है, आपको स्क्रिप्ट इसी के अंदर पहले स्क्रिप्ट में जाना है और स्क्रिप्ट वाला पाथ आपको कॉपी करना है। क्यों स्क्रिप्ट वाला पाथ कॉपी करना है, क्योंकि आप यहाँ पर कहीं देखोगे तो यहाँ पर पिप आपको दिखाई दे रहा है, इंस्टॉलेशन वाला पैकेज आपको दिख रहा होगा पिप के नाम से, हमें पिप को भी यूज करना है इसलिए हमें ये पाथ कॉपी करना है। तो देखो स्क्रिप्ट, ये लास्ट में स्क्रिप्ट आ रहा है,
ये लास्ट में स्क्रिप्ट आ रहा है और इसके पहले पूरा का पूरा पाइथन वाला पाथ है, तो मैंने ये बड़ा वाला पाथ यहाँ से कंट्रोल सी से कॉपी कर लिया। सभी को समझ में आ रहा है, आप कॉपी कर पाओगे मेरे ख्याल से, ये देख करके आप कॉपी कर सकते हो जब आपने सर रिपीट करना आइडियली शॉर्टकट से। चलो ठीक है, मैं रिपीट कर देता हूँ आइडियली शॉर्टकट से, दोबारा से रिपीट कर देता हूँ, ध्यान से देखो आप। मैं यहाँ पर आईडी एली पे जा रहा हूँ और यहाँ पर राइट क्लिक किया और ओपन फाइल लोकेशन, और यहाँ पर गया मैं, फिर से राइट क्लिक किया और अगेन ओपन फाइल लोकेशन। दो बार आपको फाइल लोकेशन ओपन करना है तो आपके पास पाइथन और पाइथन डॉट exe दोनों में से कोई एक चीज दिखाई देगा, या तो पाइथन डॉट exe दिखेगा या फिर पाइथन दिखेगा। आपको ये वाले ऊपर से पाथ ले सकते हो, लेकिन कोशिश करो आप यहीं से, एक और फोल्डर है जिस फोल्डर का नाम है स्क्रिप्ट्स, आपको स्क्रिप्ट फोल्डर के अंदर जाना है और स्क्रिप्ट फोल्डर पे जो टॉप पे दिख रहा है इसको कॉपी करना है। स्क्रिप्ट फोल्डर के अंदर जाना है, जो टॉप पे दिख रहा है इसको आपको कॉपी करना है। आप कंट्रोल सी से आप कॉपी करोगे इसको। अभी सभी के सभी समझ गए कहां पे कॉपी करना है हमें? समझ में आ गया सभी को? आप लोग यस लिख सकते हो अगर समझ में आ गया है तो। कोई दिक्कत है पाथ को सेलेक्ट करने में तो आप मुझे बता सकते हो, अदरवाइज सभी लिख लो ठीक है। अब ध्यान दो, चलिए ठीक है, अब आपको क्या करना है, इस विंडो को बंद कर दो। अब हम नेक्स्ट प्रोसेस क्या है, नेक्स्ट प्रोसेस है ये वाला, क्या है एनवायरमेंट वेरिएबल में हम क्या करेंगे, बी पार्ट क्या है, सेट या फिर बी में हम क्या कहते हैं, हम कहते हैं ऐड, ऐड पाथ वेरिएबल इन, ऐड पाथ वेरिएबल इन एनवायरमेंट। अब आपको पाथ वेरिएबल सेट करना है, आपको बताना है पाथ सेट करना है, कैसे सेट करोगे इसका प्रोसेस भी है। अब मैं डायरेक्ट दिखा देता हूं, वहीं से आप पढ़ लेना, नोट आप चाहो तो नोट भी कर सकते हो। नोट कैसे करना है, हमें क्या करना है, नोट करने के लिए स्टेप क्या, इसका हमें सर्च करना है क्या, दिस पीसी और दिस पीसी पे क्या करना है, राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करके हमें कहां जाना है, इसके प्रॉपर्टीज पे जाना है। मुझे सारा ध्यान नहीं आ रहा तो मैं भी ऐसा प्रोसेस फॉलो कर लेता हूं। मैंने कहा यहां से मैंने सर्च किया क्या, दिस पीसी, सभी के कंप्यूटर में दिस पीसी आ रहा है, जो मैं प्रोसेस बता रहा हूं विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए बता रहा हूं, लिनक्स के लिए और मैक के लिए आप अपने आप भी चेक कर सकते हो एनवायरमेंट वेरिएबल कहां से सेट होगा टर्मिनल्स के लिए। तो खैर मैंने यहां पर ये ले लिया और मैं इस पे क्या करता हूँ, राइट क्लिक कर रहा हूँ और राइट क्लिक करके मैं इसके प्रॉपर्टीज पे जा रहा हूँ और प्रॉपर्टीज पे जा करके इसमें है एडवांस सिस्टम सेटिंग, मैं यहाँ लिख भी देता हूँ। प्रॉपर्टी पे जाने के बाद फिर आपको क्या करना है, एडवांस सिस्टम सेटिंग, सिस्टम सेटिंग्स, एडवांस सिस्टम सेटिंग्स में जाना है। अगेन इसके बाद हम क्या करेंगे, एडवांस सिस्टम सेटिंग के अंदर फिर हमें क्या करना है, इन्वायरमेंट वेरिएबल मिलेगा मेरे ख्याल से, मैं देखता हूँ। एडवांस सिस्टम सेटिंग पे आपको क्लिक करना है, इसमें क्या मिल रहा है, क्लिक ऑन इन्वायरमेंट वेरिएबल, तो यहां मैं लिखता हूँ क्लिक ऑन इन्वायरमेंट वेरिएबल ठीक है। इन्वायरमेंट वेरिएबल पे आपको क्लिक करना है, इन्वायरमेंट वेरिएबल पे क्लिक करना है और ये जो विंडो दिखाई दे रहा है इसमें आप देखोगे यूजर, यूजर वेरिएबल फॉर, मेरे में लिखा हुआ अनिल सिंह, आपने आपके कंप्यूटर का नाम लिखा हुआ आ रहा होगा, एक यूजर वेरिएबल और नीचे सिस्टम वेरिएबल है।
आप इन दोनों में पाथ को ऐड कर सकते हो अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से। मैं पहले कहूंगा कि यूजर वेरिएबल में पाथ ऐड करो, अगर इसमें ऐड करके काम नहीं चलता है तो आप सिस्टम वेरिएबल में भी पाथ ऐड कर सकते हो। सभी के लिए मैं कह रहा हूं, जैसे एक में ऐड करोगे वैसे ही दूसरे में ऐड करोगे। अब देखो होगा क्या, ध्यान से देखना। यहां तक इन्वायरमेंट वेरिएबल में पहुंच गए हम, तो मैं यहां फिर लिख देता हूं, इन्वायरमेंट वेरिएबल के अंदर फिर इसके बाद हम क्या करेंगे, वी कैन ऐड पाथ इन यूजर सेक्शन और यूजर सेक्शन और सिस्टम सेक्शन और बोथ। और इन बोथ सेक्शन, दोनों सेक्शन में हम लोग क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। अब आपको दोनों सेक्शन में आप चाहो तो ऐड कर सकते हो, आपके ऊपर है कि आप कहाँ ऐड करना चाहते हो। दोनों सेक्शन में ऐड कर सकते हो। तो जिसको पहले यूजर, यूजर मीन्स क्या होगा आप समझ सकते हो, यूजर मीन्स आपके स्पेसिफिक लॉगिन यूजर के लिए वो कह रहा है, सिस्टम मीन्स पूरे कंप्यूटर के लिए कह रहा है। तो यूजर से नहीं चला तो सिस्टम से तो चलेगा ही चलेगा, और कोई उपाय नहीं है। तो आप केवल सिस्टम में भी ऐड कर सकते हो, यूजर में ऐड कर सकते हो। देखो अब स्क्रीन देखना, ये जो पाथ है, ये जो हमें पाथ दिखाई दे रहा है इसके अंदर, मेरे अंदर ऑलरेडी पाथ है। अगर आपको पाथ दिखाई दे रहा है तो उसको एडिट करना है, नहीं दिखाई दे रहा तो यहाँ न्यू बटन पे क्लिक करना है। ये स्क्रीन, इसके आगे वाली स्क्रीन अलग अलग कंप्यूटर में थोड़ी चेंज हो जाती है, लेकिन हमें पाथ ऐड करना है। देखो जरा ध्यान से, हमें पाथ ऐड करना है। मैं यहाँ पर इस पाथ वेरिएबल को सेलेक्ट करता हूँ और एडिट बटन पे क्लिक करता हूँ। सभी को क्लियर है जो मैं कह रहा हूँ? आप लिख सकते हो पाथ को सेलेक्ट करना और एडिट बटन पे क्लिक करना। अगर पाथ नहीं है तो न्यू बटन पे क्लिक करके नया पाथ वेरिएबल ऐड करेंगे। मेरी आवाज सुनाई दे रही है सभी को? यहां पे समझ में आ रहा है? आप यस लिख सकते हो, यस। फिर ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूँ, यहां तक हम आ गए। अब हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर फिर से हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर एडिट में जा रहे हैं। और एडिट में जाकर के मैंने ऑलरेडी पाथ ऐड किया, लेकिन ध्यान समझना जरा, मुझे दो पाथ ऐड करना है। एक पाथ कौन सा ऐड करना है, एक पाथ तो पाइथन इंटरप्रेटर का और दूसरा पाथ क्या स्क्रिप्ट का। अब ध्यान समझना, पाइथन इंटरप्रेटर का, स्क्रिप्ट का, दोनों पाथ ऐड होना चाहिए, दोनों पाथ ऐड होना चाहिए। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, यहाँ पर लिख देता हूँ आपके समझने के लिए, यहाँ पर डायरेक्ट लिख देता हूँ, वी हैव टू ऐड बोथ बोथ पाथ, दैट इज पाथ ऑफ पाइथन इंटरप्रेटर एंड पाथ ऑफ स्क्रिप्ट, दोनों ऐड करना है। ये बात ध्यान रखना है, मैं एक ऐड करूँ तो काम नहीं चलेगा, दोनों के दोनों ऐड करना है आपको। पाथ ऑफ स्क्रिप्ट ऐड करना है, और कैसे ऐड कर सकते हैं मैं दिखा रहा हूं। देखो ध्यान से, मैंने क्या किया, यहां से हटा दिया था, यहां तक पहुंच गए थे। अब मेरे में ऐसा आ रहा है, कुछ लोगों में ये स्क्रीन बड़ी आ रही होगी और उसमें लेफ्ट हैंड साइड पे एडिट करने का और ऐड करने का ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा। आप अपना दिमाग लगा के पढ़ सकते हो, देख सकते हो कि उसके अंदर वो पाथ ऑलरेडी एडिट है या नहीं है, आपको ऐड करना है नहीं करना है। तो ऐसी स्क्रीन में तो आप एक बार, मैंने देखो स्क्रिप्ट वाला पाथ यहाँ कॉपी कर दिया, अगर आप गौर करो कि स्क्रिप्ट वाला पाथ मैंने कॉपी कर दिया, लेकिन ये केवल स्क्रिप्ट का पाथ हुआ। इसके बाद जो दूसरा ऐड करना है मुझे क्या करना है, यहाँ पर सेमी कॉलन लगाना है। ध्यान रखो ऐसी स्क्रीन में आप, अगर ऐसी स्क्रीन आ रही तो सेमी कॉलन लगा के दूसरा ऐड करोगे, नहीं तो जो बड़ी वाली स्क्रीन आ रही होगी जिसमें ऐड करना होगा तो पहली बार में ये ऐड करोगे, दूसरी बार में दूसरा वाला ऐड करोगे। जैसे मैंने ये ऐड किया, दूसरा स्क्रिप्ट ऐड किया, यहाँ से स्क्रिप्ट हटा दे रहा हूँ, तो पाथ हमारा दोनों सेट हो गया। देखो पाइथन 38-32 तक गया और इधर स्क्रिप्ट तक गया है।
आप अगर गौर करो तो इस तरह से कंफर्म हो गया हमारे लिए क्या, ये हमारे लिए कंफर्म हो गया कि हमने दोनों पार्ट ऐड कर दिया, पाइथन के इंटरप्रेटर का भी और स्क्रिप्ट का भी। आप यहाँ ऐड कर सकते हो और फिर यहाँ से ओके, और फिर यहाँ से ओके कर सकते हो। ध्यान दो, अगर ये ऐड करके भी आपका काम नहीं चल रहा है तो दोबारा आप इस पाथ के बजाय आप नीचे वाले में भी पाथ ऐड कर सकते हो, जो नीचे वाला सिस्टम वेरिएबल दिखाई दे रहा है उसमें भी पाथ ऐड कर सकते हो। समझ आ रही बात सबको? और मेरे ख्याल से सभी लोग पैरेलली अपने कंप्यूटर में कर रहे हैं, तो मैं मान के चलो सभी लोग कर रहे हैं। अब आपने पाथ ऐड किया, ये चेक कैसे करोगे इसका मैं उपाय बता रहा हूँ, ध्यान समझे इसका उपाय बता रहा हूँ मैं। मैंने कहा यहाँ से ओके, मैंने यहाँ से कहा ओके, अगर सब कुछ आपने सही कर लिया है तो आप चेक कैसे करोगे? अब आपको क्या करना है, जब भी हम इंस्टॉलेशन करते हैं तो हमें क्या करना है, देखो ध्यान समझो जरा। हम यहाँ पर दोबारा सीएमडी ओपन करेंगे और सीएमडी में हम क्या करेंगे, राइट क्लिक करेंगे और रन एज एडमिनिस्ट्रेटर, ध्यान रखना इंस्टॉलेशन के टाइम पे रन एज एडमिनिस्ट्रेटर ओपन करते हैं, अदरवाइज हमें रन एज एडमिनिस्ट्रेटर ओपन करने की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। तो हम क्या करेंगे, इसको ओपन करेंगे रन एज एडमिनिस्ट्रेटर, तो मैं क्लिक कर रहा हूँ क्या, रन एज एडमिनिस्ट्रेटर पे क्लिक कर रहा हूँ और फिर मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ से रन एज एडमिनिस्ट्रेटर क्लिक करने के बाद मेरे पास आ गया सी ड्राइव विंडोज सिस्टम 32। अब जितने लोगों ने ये काम कर लिया सभी के सभी पहला स्टेप ये चेक करेंगे, पाइथन डबल हाइफन वर्जन क्या कर रहे हैं? अच्छा मैंने स्पेलिंग गलत लिख दी, पाइथन डबल हाइफन वर्जन। तो दिखाई दे रहा मेरे कंप्यूटर में 3.8.0 आ रहा है, ठीक है। आप सभी चेक कर लो और जिसमें ये नहीं दिखाई दे रहा वो प्रोसेस को दोबारा रिपीट कर लेगा या फिर सिस्टम वाले में जाकर के पाथ को ऐड करेगा। पहले ये बताओ कि सभी को ये दिख रहा है? मैं अगर चाहूँ तो 2 मिनट का टाइम भी दे सकता हूँ, अगर कुछ लोग नहीं कर पाए तो मुझे एक बार ओके करो कि सभी लोग का हो गया है नहीं हुआ है। जिसका नहीं हुआ फिर मैं उसके लिए 2 मिनट का टाइम दूंगा, क्योंकि यहाँ तक होना चाहिए तभी हम आगे बढ़ पाएंगे। आशुतोष का डन हो गया, गुड। एडमिन, एडमिन नाम से कौन है वैसे? शिवांगी का डन हो गया, अंकित शर्मा का डन हो गया। एडमिन नाम से कौन है, नाम लिख सकते हैं अपना? चलिए ठीक है। और किसका है, किसका डन हुआ है? सभी लोग लिखेंगे, जिसका डन नहीं हुआ बताएंगे, मैं वेट कर रहा हूँ, ठीक है। मैं चाहता हूँ कि सभी को हो जाए तभी हम आगे का प्रोसेस फॉलो करें। जिसका नहीं, सर मेरे साइन प्रॉब्लम आ रही है। सुरभि, आपके कंप्यूटर में तो मैंने किया था सुरभि, आप जो है उसमें सिस्टम वाले में चेंज कर दो। मैंने तो कर दिया था आपके कंप्यूटर में, आप क्यों कर रहे हो दोबारा? आपको दोबारा चेंज करने की जरूरत नहीं थी, फिर भी चलो आप रिसर्च तो कर सकते हो, आपका कंप्यूटर आप बार बार रिसर्च कर सकते हो, सीखने के लिए रिसर्च करना पड़ेगा। और पहले वाले से नहीं होगा तो आप वाले में सिस्टम, मैंने स्पेशली आप वाले में सिस्टम वाले सेगमेंट में चेंज किया था तो हो गया था, तो आप सिस्टम वाले में चेंज करोगे तो होगा। और किसी का नहीं हुआ?
अनमोल सिंह, नहीं हुआ, नहीं हुआ सर, रिसर्व करो फिर, नहीं हुआ तो वो प्रोसेस फॉलो करो। 3:31 हो रहा, मैं 2 मिनट और टाइम दे रहा हूँ, 3 मिनट का और टाइम दे रहा हूँ। अनमोल, क्या दिक्कत आ रही है? आप जो पाथ मैंने ऐड करना आपको सिखाया यूजर में, वही पाथ आप किस में ऐड कर दो, सिस्टम वाले सेगमेंट में जाकर के ऐड कर दो। कहाँ ऐड करोगे देखो, मैं दिखा रहा हूँ। एडवांस सिस्टम सेटिंग में जाओ, यहाँ से इन्वायरमेंट वेरिएबल्स में जाओ, और यहाँ से इस वाले पाथ में जाकर के इसको एडिट कर दो, और इसमें ले जाकर के लास्ट में जाकर के सेमी कॉलन लगा करके पाथ ऐड कर दो तो चल जाएगा। तो अनमोल और ऋषभ, मैं दोनों का वेट कर रहा हूँ 2-3 मिनट्स के लिए। आप लोग करके मुझे ओके करो, फिर मैं कंटिन्यू करता हूँ। ऋषभ का हो गया, गुड। स्वाति, डन। खुद किया स्वाति या ऐसे ही लिख दिया आपने? अच्छा, सुरभि का नहीं हुआ था, ठीक है, स्वाति कर लिया, डन, वेरी गुड। सिमर का भी डन हो गया, और अनमोल, अनमोल हो गया आपका, ओके गुड, चलिए ठीक है, हो गया। तो हम प्रोसेस स्टार्ट करते हैं, मेरे ख्याल से सभी ने कर लिया, बड़ी अच्छी बात है। अब देखो अगला प्रोसेस, देखो चेक करने का प्रोसेस अगला, देखो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग क्या करते हैं फिर। अब हो गया सबको, तो मैं दोबारा से कमांड स्टार्ट कर रहा हूं। जब भी आप कोई इन्वायरमेंट वेरिएबल चेंज करोगे तो आपको कमांड दोबारा से स्टार्ट करनी पड़ेगी, ये ध्यान रखना, तभी उसका इफेक्ट दिखता है। हमने कहा सीएमडी के आगे हम, और दोबारा से यहाँ पर राइट क्लिक कर रहे हैं और रन एज एडमिनिस्ट्रेटर, मैंने कहा यस। अब आते हैं, मैं दोबारा मैं लिख रहा हूँ पायथन डबल हाइफन वर्जन, सॉरी
चलिए मिस्टेक हो गई, अभी ठीक है। और एक और चीज लिखो आप, यहाँ पर आपको क्या लिखना है, आपको अब अगली कमांड लिखनी है, डिजाइंगो इंस्टॉल करने की कमांड लिखनी है। इंस्टॉल करने के लिए आपको लिखना पड़ेगा pip install Django, pip install Django लिखना है और एंटर हिट करना है सभी को। pip install Django लिखना है, एंटर हिट करना है। तो जैसे मैं एंटर हिट करूंगा तो मेरे में ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, तो वो कहेगा रिक्वायरमेंट ऑलरेडी सेटिस्फाइड। आप वाले में क्या होगा, आप वाले में इंस्टॉलेशन, जिसमें नहीं है वो इंस्टॉलेशन होगा। तो सभी के सभी Django इंस्टॉल करो, जिसमें इंस्टॉल हो गया है Django वो ये कमांड लिखेंगे, Django hyphen admin और फिर डबल स्पेस देके वर्जन लिखोगे आप, अगर सॉरी क्या हो गया Django, अगर ये आ गया है तो आप सोचो कि सारा कुछ परफेक्ट है, सही है। Django मेरे पास 3.0.4 वर्जन अवेलेबल है, आप लोग के पास सेम वर्जन हो या फिर इससे अलग भी, तो कोई बहुत फर्क नहीं पड़ेगा, आपको इंस्टॉल कर लेना है। तो जब आप सबका इंस्टॉल हो जाए Django, तभी हम आगे प्रोसेस करेंगे। जिसका जिसका Django परफेक्टली इंस्टॉल हो गया है और जो Django hyphen admin लगा करके चेक करके वर्जन देख पाए हैं, तो वो सभी के सभी अपने वर्जन के साथ मुझे चैट बॉक्स में लिखेंगे, जिनका जिनका हो गया है, जिनका नहीं है वो अभी वेट करेंगे, लिखेंगे फाइनली। टोटल 17 स्टूडेंट्स से देखते हैं, 16 है, देखते हैं किसका किसका हुआ है। जिसका इंस्टॉल हो गया है वो लिख सकता है डन विथ वर्जन। किसी का मैसेज नहीं आया, इंस्टॉल हुआ नहीं हुआ? अच्छा नीचे मैं सर देख नहीं पा रहा हूँ। विशाल लिख रहे हैं पेपर इज नॉट रिकॉग्नाइज। विशाल आप जो लिख रहे हो पेपर इज नॉट रिकॉग्नाइज, इसका मैं नीचे देख नहीं पा रहा था। यू हैव उससे कोई फर्क, ये सिमर जो मैसेज आया उससे कोई फर्क नहीं पड़ता पेपर का। Django वर्जन 3.4 जिसमें pip वर्जन नहीं दे रहा, यानी कि वो स्क्रिप्ट वाला पाथ आप ऐड नहीं कर पाया विशाल। जहां आपने पाइथन वाला ऐड किया था ना, वहीं स्क्रिप्ट वाला भी मैंने दो पाथ बोला था ऐड करने के लिए, आप एक मिस कर गए हो, उसको दोबारा से ऐड कर लो, pip रिकॉग्नाइज ओके हो जाएगा। आपने देखा होगा मैंने स्क्रिप्ट तक का पाथ कॉपी किया था और एक, तो आपको ये दोनों ही करना पड़ेगा तभी वो चलेगा। Django done, विशाल सिंह done sir, 3 point good, सभी का done होना चाहिए तभी चीजें समझ में आएगी, क्योंकि शुरू के स्टेप्स जो है ना सब आप करके देखोगे तभी आपको चीजें समझ में आएंगी, नहीं तो मिस होता है। केवल शुरू शुरू में ज्यादा दिक्कत है, बाकी तो एक बार आपको समझ में आ गए तो फिर वैसे वैसे आप पाइथन का कोड लिखते, तो यहाँ भी कोड लिखना है पाइथन का। स्क्रिप्ट स्क्रिप्ट जो स्क्रिप्ट तक का पाथ है पूरा लिखना है विशाल। जो स्क्रिप्ट पाइथन तक का आपने ऐड किया तभी पाइथन हो गया था, जो लास्ट में जिसमें स्क्रिप्ट तक था वो पूरा लिखना है। सर मिस स्क्रिप्ट का भी किया था और पाइथन का भी किया था? नहीं तो जरूर कहीं मिस्टेक किया, सेमी कॉलन नहीं लगाया होगा, कुछ ना कुछ दिक्कत किया आपने, फिर से उसको रिपीट करो। और ये जो है दोबारा से ओपन किया था आपने कमांड ऐड करने के बाद? हाँ नो सर, उसको बंद कर दोबारा ओपन करो तो उसमें आएगा, बंद करके दोबारा स्टार्ट करो, मुझे बताओ क्या आ रहा नहीं आ रहा। शिवांगी का भी हो गया,
केवल विशाल को इशू आ रहा है, और अंकित शर्मा का डन है, सिमर का डन है, मंजीत का डन है, स्वाति का मुझे डाउनलोड करना पड़ेगा। स्वाति आप डाउनलोड कर लो, क्या दिक्कत है, डाउनलोड हो जाएगा वो अपने आप ही। आशुतोष जो मैंने विशाल के लिए पिप का वर्जन का कोई एरर नहीं है, वो वार्निंग आता है। आशुतोष जो आपने लिखा है पिप वर्जन एरर, वो एरर नहीं होगा, वो वार्निंग है। स्वाति कर रही है, गुड करो, सभी का हो जाएगा तभी मैं आगे कंटिन्यू करूंगा, क्योंकि सीखना है ना आप लोगों को, दिक्कत है तभी आप लोग ज्वाइन किए लेक्चर। सभी कर लो फिर मैं आगे चलूंगा। निशान का डन हो गया, गुड गुड। अच्छा विशाल अलग है, विशाल सिंह अलग है, दो स्ट्रिंग विशाल और विशाल सिंह दोनों का हो गया। आशुतोष, आशुतोष का हुआ नहीं हुआ अभी, अनमोल का डन हो गया, आशुतोष का हुआ नहीं हुआ, ऊपर तो कुछ प्रॉब्लम बता रहे थे वो। आशुतोष हो गया डन, चलिए ठीक है। तो किसका नहीं हुआ मेरे ख्याल से, क्या स्वाति का या फिर किसका रुक गया था, डाउनलोड हो रहा था। स्वाति, स्वाति आपका हो जाए तो बताओ। मैं कर लूंगी ठीक है, कर लूंगी, लेकिन प्रोजेक्ट तो कैसे बनाओगे फिर। चलो ठीक है मैं कराता हूँ, आप कोशिश करो, पहले भी 1-2 मिनट में हो जाएगा आपका, और मैं करा रहा हूँ। सिमर केवल एडमिन नहीं लिखना है, डिजैंगो हाइफन एडमिन लिखना है। देखो ये वाली कमांड चलानी है जो हमने चलाया, डिजेंगो हाइफन एडमिन, डिजेंगो चलिए ठीक है। अब समझो जरा, क्या हमने अब ये डिसाइड कर लिया कि देखो हमारे पास तो दो कंप्यूटर है ना, हमारे पास अब गौर करो हमारे पास एक ही कंप्यूटर है, एक ही कंप्यूटर पर हमें क्लाइंट भी बनाना है, हमें सर्वर भी बनाना है, तो ये इम्पोर्टेंट पार्ट है। तो मैं यहाँ लिखता हूँ, जरा ध्यान समझना, मैं एक नया पेज ओपन कर लेता हूँ और उस पर लिखता हूँ। सर्वर मैंने ऐसा लिखा और इस पर मैं काम करते हैं। देखो तो हमें अब क्लाइंट और सर्वर ढूंढना, हमने इंस्टॉलेशन कर लिया। देखो अगर मैं अपनी बात करूं, हम लोग आप सबकी बात करूं, तो मैं लिखता हूं यहाँ पर वी हैव लिखता हूँ यहाँ पर वी हैव वी हैव ओनली वन मशीन,
one machine and we have to create client and server both. Client and server both. ध्यान समझना, हमें दोनों क्रिएट करना है. सबसे पहले हम क्या क्रिएट करें, हम क्लाइंट क्रिएट करें. वीआईपी वीआईपी डन सर. वीआईपी नाम किसका है, नाम भी लिख दो. वीआईपी नाम को समझ नहीं आ रहा है, फेस तो दिख नहीं रहा आप लोगों का. सिमर, अच्छा ठीक, चलिए ठीक है. हमने कहा क्या, क्लाइंट कैसे बनाएंगे, तो अपने कंप्यूटर की बात करो. देखो मैंने हमेशा कहा वेब एप्लीकेशन में दो चीजें इंपॉर्टेंट है, एक तो क्लाइंट और दूसरा सर्वर. तो क्लाइंट बनाने के लिए क्या करना है, हमें क्या करना है क्लाइंट के लिए, वी कैन यूज एनी ब्राउजर. मेरे ख्याल से सभी अपने कंप्यूटर का कोई ब्राउजर यूज कर सकता है. तो ब्राउजर से हम क्या लेंगे, रिक्वेस्ट हमेशा ब्राउजर से ही देंगे, मीन्स यूआरएल ब्राउजर पे टाइप करेंगे. तो क्लाइंट बनाने के लिए कुछ करना नहीं, बाय डिफॉल्ट सबके पास क्लाइंट है. अब दूसरा सर्वर कैसे बनाएंगे, सर्वर बनाएंगे तो वहां पे हमें डेटा रखना होगा. तो देखो जरा दूसरा फेज किसका है, दूसरा फेज है सर्वर का. दूसरा फेज है सर्वर का, तो सर्वर के लिए हम क्या करेंगे, सर्वर के लिए करेंगे वी have to select any location in our computer to create server. Server create करने के लिए हम कोई भी computer में location चूज करेंगे. फॉर एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल आई वॉन्ट टू क्रिएट सर्वर इन फॉलोइंग लोकेशन, फॉलोइंग लोकेशन. किस लोकेशन पे क्रिएट करना चाहते हैं, ध्यान से देखना. फॉलोइंग लोकेशन में हमने कहा कि हमारे पास सी ड्राइव के अंदर मैं चाहता हूं एक फोल्डर बनाओ जिसका नाम रखो वी जेंगो सर्वर. डिजेंगो सर्वर का फोल्डर बनाएंगे. अब जब डिजेंगो सर्वर का फोल्डर बनाएंगे तो इसको हम क्या मान के चलेंगे, ये दिस इज व्हाट, दिस इज सर्वर लोकेशन. ये क्या हमारा सर्वर लोकेशन है. और आपको क्या करना है, सर्वर पे ही हम क्या करेंगे, इस सर्वर पे नाउ, इस सर्वर पे हम क्या करेंगे, हम प्रोजेक्ट्स बनाएंगे. हम क्या करेंगे यहां पर प्रोजेक्ट वन, प्रोजेक्ट टू, तो ये हमारे वेबसाइट्स होंगे, ये हमारे प्रोजेक्ट्स होंगे जिन प्रोजेक्ट्स पे हम काम करेंगे. तो समझो जरा, सी ड्राइव का डिजेंगो सर्वर वाला जो फोल्डर है वो पूरा पूरा सर्वर है. तो C drive Django folder project one जो होगा वो physical path होगा, बाकी जो आप URL से access करोगे तो इन्हीं folders को access करना है, ये आपको ध्यान रखना है. तो सभी के सभी अपनी drive, अपने computer के ना C drive, B drive, जो भी आपकी choice हो, आप एक Django server के नाम से folder बनाओ. मेरी बात समझ में आ रही सबको, क्या करना है, समझ आ रही, तो yes लिखो proper. कि server क्या, server बनाने का तरीका क्या है, जो मैंने समझाया वो clear समझ में आना चाहिए. तो हमें क्या करना है, सी ड्राइव, डी ड्राइव, कहीं भी, ये आपकी चॉइस है. यस, अंकित ने लिख दिया, यस ठीक है. सूर्य जी ने भी यस लिख दिया. तो हम बनाते हैं, मेरे ख्याल से अपने कंप्यूटर में फोल्डर बनाने से इजी काम तो होता है. चलो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं यहाँ से ओपन कर रहा हूँ अपना कंप्यूटर और सभी बनाएंगे. मेरे कंप्यूटर में तो एक ही ड्राइव है, सी ड्राइव है, और सी ड्राइव है. तो मैं यहाँ पर एक राइट क्लिक करके न्यू फोल्डर बनाता हूँ. मैंने न्यू फोल्डर पे क्लिक किया और न्यू फोल्डर का नाम रख देता हूं मैं Django सर्वर, Django सर्वर, और मैं उसी फोल्डर में आ गया.
अगर आप यूआरएल देखना चाहोगे तो यूआरएल डिस्प्ले में वर्क देख नहीं लो, कर रहा, डिस्प्ले वर्क नहीं कर रहा, कर तो रहा है यार, वर्क चेंजेस दिख रहे मीन्स हैं। से बहुत ज्यादा, मीन्स से बहुत स्लो चल रहा है। अच्छा मैं बोलता हूँ, मैं एक बार कोशिश करता हूँ। आप सभी को डिस्प्ले प्रॉपर दिख रहा है, नहीं दिख रहा है बाकी स्टूडेंट्स को? सर प्रॉपर दिख रहा है सर। प्रॉपर दिख रहा है ना? हाँ, कहीं एक दो शब्दों में मुझे यस मेरे सर। मेरे पास मेरे पास भी जो डिस्प्ले है वो चेंज हो रहा है, जब चेंज नहीं होता तो दिखता है मुझे। चलिए ठीक है, सभी को प्रॉपर दिख रहा है, थोड़ा सा कोशिश करें दिखाई देगा। तो ये सर्वर लोकेशन बना दिया, तो अभी तक सुरभि कर रही है, सो लेट हो रही है, तो सुरभि थोड़ा सा ना जरूर आपके इंटरनेट में थोड़ा सा स्लो होगा, तभी थोड़ा धीरे दिख रहा है, अदरवाइज चीजें जा रही हैं, कोशिश करते हैं समझने का। मैं इसलिए भी थोड़ा स्लो चल रहा हूँ कि आपके पास स्क्रीन पहुंच जाए। चलिए ठीक है, तो देखो मैं अभी तक जो आपको कॉन्सेप्ट समझा रहा था कि एक क्लाइंट है, तो क्लाइंट तो आपने ब्राउजर ओपन कर लिया, एक सर्वर है, तो सर्वर पे हम पहुंच गए हैं। अब जब हम सर्वर पे पहुंच जाएंगे तो अपनी वेबसाइट ही तो बनाएंगे, तो अब हमें क्या करना है, अपनी वेबसाइट या अपना प्रोजेक्ट्स बनाना है। तो डिजांगो का फर्स्ट प्रोजेक्ट हम क्रिएट करना चाहते हैं। हमारा फर्स्ट टास्क क्या है कि हम क्या करेंगे, प्रोजेक्ट्स क्रिएट करेंगे। तो मैं यहाँ लिखता हूँ नाउ, नाउ लिख देता हूँ, मैं ऐसे ही लिखता हूँ, मेरे ख्याल से अच्छे लिखा नहीं जाते, समझा तो रहा होगा आप लोगों को। मैं लिखता हूँ क्या, नाउ वी हैव टू क्रिएट वेबसाइट, वेबसाइट और प्रोजेक्ट, प्रोजेक्ट ऑन आवर सर्वर लोकेशन, ऑन आवर सर्वर लोकेशन। तो अब हमें अपने सर्वर लोकेशन पे वेबसाइट और प्रोजेक्ट बनाना है। जो वेबसाइट बनाओगे वही आपकी वेबसाइट होगी, और उसी कोड को आपको डिप्लॉय करना है, सर्वर पे उठा के कहीं ले जाना होगा तो उसी कोड को लेकर के जाओगे। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, फॉर दिस वी हैव टू ओपन CMD एट सेम लोकेशन, एट सेम लोकेशन। CMD एट सेम लोकेशन, उसी लोकेशन पे आपको CMD ओपन करना पड़ेगा। हाँ, कैसे ओपन करोगे, कैसे ओपन करोगे, राइट CMD ऑन एड्रेस बार एंड प्रेस एंटर। मैं ये सारी चीजें आपको लिख करके दे रहा हूँ जिससे आपको समझने में दिक्कत थोड़ी कम हो, ठीक है? और ये जो मैं लिख रहा हूँ ये सब आपको PDF में अवेलेबल हो जाएगी, तो आप इसको देख करके समझ सकते हो। जितने लोगों ने देखा उतने लोगों को तो ये हैंड राइटिंग समझ में आ जाएगी, बाकी कोई देखेगा तो शायद कम समझ में आएगा, लेकिन आप लोगों को शायद समझ में आ जाएगी। चलिए ठीक है, अब मैं कहता हूँ कि सर्वर पे हमें, यहाँ पर मैं अभी दोबारा से इसको क्लोज कर देता हूँ, और डिजांगो सर्वर ये फोल्डर पे आ गए हम, और इसके जो एड्रेस बार है जो टॉप पे है, ये एड्रेस जो हमें दिख रहा है जहाँ सी ड्राइव डिजांगो सर्वर, आपने भी जो दिख रहा है उसको आप फॉलो करो। और आपको क्या करना है, आपको फॉलो करना है, और यहाँ पर सिंपल इसको हटा करके CMD आपको लिखना है, क्या लिखना, सिंपल CMD लिखना है, और CMD लिखने के बाद आपको एंटर करना है, CMD लिखना है, CMD लिखने के बाद एंटर करना है। जैसे CMD लिख के एंटर करोगे, आप देखो यहाँ पर क्या आ गया, सी ड्राइव कॉलन डिजांगो सर्वर, मेरे में ये आ गया। आप में जो आपने सर्वर बना रखा होगा, जैसा बना रखा होगा, जो जो पाथ बना रखा होगा वही आ जाएगा। होप यहाँ तक पहुंच गए आप। अब इसके अंदर मुझे प्रोजेक्ट्स बनाना है, तो प्रोजेक्ट्स बनाने के लिए अब हमारे पास जो हमारा डिजांगो है वो डिजांगो हाइफन एडमिन के नाम से, तो हम बोलेंगे कि डिजांगो हाइफन एडमिन को ऑर्डर देंगे कि भाई तुम क्या करो, एक मेरे लिए प्रोजेक्ट बना दो। तो प्रोजेक्ट बनाने की कमांड क्या होती है वो मैं नोट करा देता हूँ यहाँ पर पहले, फिर हम लोग काम करेंगे।
command to create project. Project create करने की command क्या है? हम क्या लिखते हैं? Django hyphen admin. Django hyphen admin लिखेंगे, space देंगे और फिर हम क्या करेंगे? हम करेंगे start project. हम कहेंगे start project और फिर project का name लिखेंगे. Project का name start project then project name. जो भी आपको project name या फिर project name और website name. वेबसाइट नेम लिखेंगे हम, ये लिखेंगे तो चल जाएगा. फॉर एग्जांपल इसी में लिख देता हूँ. फॉर एग्जांपल आप क्या लिखोगे? Django hyphen admin और आपने क्या किया? Django hyphen admin के बाद आपने लिखा स्टार्ट प्रोजेक्ट और आपने प्रोजेक्ट का नाम लिखा. आपका पहला वेबसाइट है, हमने कहा फर्स्ट वेब, हमें ऐसा लिख करके एंटर प्रेस करना है. तो ये सभी इस टास्क को एग्जीक्यूट करके देखेंगे ये चल रहा नहीं चल रहा है. तो मैं पहले एग्जीक्यूट करता हूँ. मैं यहाँ आ गया और मैं यहाँ लिख रहा हूँ Django-admin और फाइनली देखना अभी तक इस Django सर्वर वाला फोल्डर बिल्कुल ब्लैंक है. इसके अंदर एक भी प्रोजेक्ट नहीं है. अब मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर बना रहा हूँ प्रोजेक्ट Django-admin और Django-admin और फिर मैं कर रहा हूँ स्टार्ट प्रोजेक्ट और प्रोजेक्ट का नाम हमने कहा क्या? फर्स्ट वेबसाइट. फर्स्ट वेबसाइट लिख रहा हूँ और मैं एंटर करता हूँ. जैसे मैंने फर्स्ट वेबसाइट लिखा Django-admin, ये जो हमारा फ्रेमवर्क है इसने क्या किया? बहुत सारा कोड ऑटोमेटिक राइट कर दिया, इसलिए इसको फ्रेमवर्क भी कहते हैं. खुद कोड बना दिया. अब आप अगर यहाँ गौर करोगे तो देखो फर्स्ट वेबसाइट के नाम से एक फोल्डर बन गया. तो देखो ध्यान से समझो, हमारा जो प्रोजेक्ट है उस फोल्डर का नाम फर्स्ट वेबसाइट है और Django सर्वर में रखा हुआ है. जब भी आप ये बनाते हो फर्स्ट वेबसाइट तो इसके अंदर अगर हम जाएंगे तो जिस नाम से ये आपका ये प्रोजेक्ट है उसके अंदर उसी नाम से एक और फोल्डर बनेगा और एक और फाइल आ जाएगी जिसका नाम है manage.py. यहाँ तक का काम आपको कमांड से करना है, इसके बाद आपको PyCharm पे स्विच कर जाना है. तो यहाँ तक का पूरा प्रोसेस प्रोजेक्ट बनाने तक का समझ में आ गया आपको और आप लोगों ने बना लिया तो ओके लिख सकते हो. अगर कहीं किसी को दिक्कत आ रही है तो आप बता सकते हो क्या क्या दिक्कत आ रही है. आशुतोष, सिमरन, अनमोल, इन लोगों का उपयोग क्या है? स्वाति का नहीं हुआ. स्वाति अभी इंस्टॉल भी नहीं हुआ होगा आपका, या हो गया इंस्टॉल? manage.py का सुर्ख अभी बताऊंगा, अभी तो मैंने बताना स्टार्ट ही नहीं किया. अभी Django इंस्टॉल ही नहीं हुआ तो फिर तो इंस्टॉल ये नहीं हो पाएगा प्रोसेस. चलो ठीक है, आप Django इंस्टॉल कर लेना. नहीं होगा इंस्टॉल तो आप जब लेक्चर खत्म हो जाएगा उसके बाद कनेक्ट करना. मैं कोशिश करूंगा टीम व्यूअर पर लेकर के इंस्टॉल कर लूँ. वैसे तो इंस्टॉल हो जाना चाहिए, फिर भी थोड़ी देर में मैं manage.py को बताऊंगा. देखो जैसा manage.py नाम ही लग रहा है क्या, कि ये मैनेज करने का काम करता है. पूरे प्रोजेक्ट्स को मैनेज करने का काम कौन करेगा? manage.py पाइथन की फाइल. तो हम देखेंगे इसके थ्रू प्रोजेक्ट को कैसे मैनेज करेंगे ये समझने की कोशिश करेंगे, सर्वर को कैसे रन कराएंगे ये कोशिश करेंगे. तो कई सारी चीजें हम कोशिश कर सकते हैं. ठीक है, चलो. तो काफी लोग का भी नहीं हुआ मुझे लग रहा है, सबके आंसर्स नहीं आए. जिनके नहीं हुए कोशिश करें जल्दी कर पाए. डन तो कितने भी डन हो गया, गुड. निशान, कमांड्स क्या है? कमांड्स ये है, देखो मैं दिखा रहा हूँ दोबारा से, आप देख लो. कमांड्स ये है Django-admin स्टार्ट प्रोजेक्ट फर्स्ट वेबसाइट.
नॉट विजिबल, मैं कॉपी पेस्ट कर देता हूँ। सी ड्राइव में फोल्डर बनाना राइट सर? सी ड्राइव में, डी ड्राइव में, जहां आप फोल्डर बनाना चाहो बना लो, हमने सी ड्राइव में बनाया है और फिर वहां पर सीएमडी से ओपन करना है। जैसे हमने ये फोल्डर बनाया है, डिजाइंगो सर्वर का फोल्डर बनाया है, वो हमने सी ड्राइव में बनाया है और उसी एड्रेस बार पे टॉप में जाकर के आपको सीएमडी लिखना है। जो लिखा हुआ उसको क्लियर करके सीएमडी लिख दोगे तो अपने आप ही ओपन हो जाएगा वहां पे कमांड प्रॉम्प्ट। चलिए ठीक है, आप करो और बाकी मैं बता रहा हूँ कि हम लोग ओपन कैसे करते हैं, कौन सा फोल्डर ओपन करते हैं, ध्यान रखना है। सभी आपको क्या करना है, इसके बाद क्या करना है, मैं स्टार्ट करूँ फिर? यहाँ तक हो गया तो मैं स्टार्ट करूँ? ओके, लिख सकते हो आप लोग? यस, स्टार्ट करते हैं। चलो ठीक है, फिर देखें स्टार्ट करो। मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ से फाइल चार्म स्टार्ट कर रहा हूँ मैं। आप सभी अपने फेवरेट डेवलपमेंट एनवायरनमेंट चूज कर सकते हो। मेरा वैसे फेवरेट फाइल चार्म है, लेकिन काफी लोग यूज करते हैं विजुअल कोड भी यूज करते हैं, तो विजुअल कोड भी काफी अच्छा एनवायरनमेंट है। मैं थोड़े और प्रैक्टिस के बाद विजुअल कोड भी स्टार्ट कर दूंगा। चलिए, तो मैं यहाँ पर क्लिक कर रहा हूँ। अब क्लिक करेंगे तो हमें किसको स्टार्ट करना है, हमें जो है जो प्रोजेक्ट, जो हमने प्रोजेक्ट बनाया उसी प्रोजेक्ट को ओपन करना है। ध्यान रखो, जो हमने प्रोजेक्ट बनाया है उसी प्रोजेक्ट को ओपन करना है। तो कैसे ओपन करेंगे मैं करके दिखाता हूँ। बाय डिफॉल्ट ये जो मैं लास्ट जिस पे काम कर रहा था वो खुला हुआ है। अब मैं आगे यहाँ से आपको क्या करना है, यहाँ पर आना है, ओपन में जाना है। फर्स्ट टाइम जब स्टार्ट करोगे तो आप सभी को ओपन प्रोजेक्ट पे जाना है, ओपन पे क्लिक करो और ओपन पे क्लिक करके वो सर्वर वाला फोल्डर सेलेक्ट करो। हमने सी ड्राइव के अंदर किस नाम से बनाया, मेरे ख्याल से डिजांगो सर्वर के नाम से बनाया था। ये देखो, डिजांगो सर्वर के नाम से हमने फोल्डर बनाया और डिजांगो सर्वर के अंदर जो पहला फर्स्ट वेबसाइट जो प्रोजेक्ट था इसी को सेलेक्ट करना है, इसके नीचे वाले को नहीं, ऊपर वाले को। ये फर्स्ट वेबसाइट को सेलेक्ट करना है। देखो, डिजांगो सर्वर को भी ना ओपन करना, आप उसके अंदर जो प्रोजेक्ट है उसको ओपन करोगे। तो मैंने फर्स्ट वेबसाइट को ओपन कर लिया, इसको सेलेक्ट कर लिया, मेरे ख्याल सभी देख पा रहे हैं, इसको सेलेक्ट कर लिया फर्स्ट वेबसाइट वाले को। इसके अंदर भी फर्स्ट वेबसाइट है, इसको नहीं, इसके ऊपर वाले को। तो आप इसमें गैप देखना, ध्यान से समझने की कोशिश करना। ये हमने कर लिया, अब मैं क्या करता हूँ, इसको यहाँ से ओके, मैं क्या कर रहा हूँ, मैं इसको ओके कर रहा हूँ। तो जैसे मैं इसको ओके करूंगा, ओपन इन करेंट विंडो बोल रहा है, ठीक है, मैं ओपन इन करेंट विंडो कर देता हूँ। ये ओपन हो रहा है, ये ओपन हुआ। जब ये ओपन होता है तो देखो यहाँ पर प्रोजेक्ट एक्सप्लोरर जो दिखाई दे रहा है, इसके साथ साथ हमारे पास ये विंडो फर्स्ट वेबसाइट यहाँ दिख रही है, इसके अंदर ये फर्स्ट वेबसाइट, ये मैनेजर टीवाई भी दिख रहा है। मुझे इनके फाइल्स और इन सभी चीज को मैं एक्सप्लेन करूंगा आपको। अभी आज के लेक्चर में मैं आपको एटलीस्ट सर्वर चलाना सिखा दूं कि सर्वर कैसे स्टार्ट होता है। तो देखो, ये करने के बाद आपको एक काम और करना है, यहाँ नीचे
जहां आपने ये किया उसके नीचे क्या हो रहा, टर्मिनल ओपन करना है। देखो टर्मिनल पे मैंने क्लिक किया, टर्मिनल ओपन हो गया, ध्यान देना सभी लोग, मैं इसको स्टॉप करो। नीचे ये आइकन दिख रहा है, इसमें टर्मिनल लिखा हुआ आ रहा है, मैं टर्मिनल पे क्लिक किया, ये टर्मिनल आ गया। अब मैं कुछ कमांड लिखूंगा, ये कमांड आप याद कर लो। इस तरह से हमें कमांड क्या लिखना है, पाइथन मैनेज डॉट पी वाई, ये वही फाइल है, ये मैनेज डॉट पी वाई वाली फाइल है जो आपने यहाँ पे ऊपर बनाई हुई है, बनी हुई है, इसी फाइल को मैं यूज कर रहा हूँ। मैं पाइथन से मैनेज डॉट पी वाई फाइल को एक्सेस कर रहा हूँ और मैं कह रहा हूँ कि इस पे कमांड चलाओ। क्या कमांड चलाओ, रन सर्वर। मैं कह रहा हूँ ये कमांड चलाओ रन सर्वर का। ये रन सर्वर क्या करेगा, देखो आपने सर्वर वाला फोल्डर बना लिया, उस फोल्डर में आपके सर्वर को स्टार्ट करना है। अगर सर्वर स्टार्ट नहीं करोगे तो आपका प्रोग्राम नहीं चलेगा। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर क्लिक करता हूँ, क्लिक करने मात्र से क्या होगा, यहाँ पर सर्वर स्टार्ट हो जाएगा। अब देखो स्टार्टिंग डेवलपमेंट सर्वर एट एड्रेस देखो 127.0.1000 है, कि एक्चुअल में हमारे सर्वर का एड्रेस है। तो मैं अगर इस पे क्लिक करूंगा, सभी के सभी इस पे क्लिक करोगे तो आप देखोगे एक पेज आ जाएगा, ये द इंस्टॉल वर्क सक्सेसफुली कॉन्ग्रेचुलेशन। ये आज का हमारा टॉपिक था कि हमें आपको इंस्टॉलेशन तक सिखाना था, इंस्टॉल करके मैंने इसको चला दिया है सक्सेसफुली। आप सभी देखो अगर रॉकेट लॉन्चर आ गया है तो परफेक्ट है, नहीं आया तो फिर आपको इसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी थोड़ा दोबारा से। जो जो ये स्क्रीन देख पा रहे हैं और अपने कंप्यूटर में भी कर पाए हैं वो यस लिखेंगे, मैं वेट कर रहा हूँ। किसी में जो प्रॉब्लम आ रही है वो मेरे से पूछ सकता है, किसी को अगर टर्मिनल आशुतोष डन गुड। अनमोल डन गुड, फर्स्ट स्टेज क्लियर है, यहां तक कर लिया आपने, फर्स्ट स्टेज क्लियर है। सेकंड स्टेज हम लोग कल पढ़ेंगे और कल हम लोग सेम टाइम पे पढ़ेंगे 2:30 पे। सर ये वाला टास्क ये तो करने की जरूरत नहीं है ना सर। सुरभि यहां तक मैंने आपको करा दिया था, लेकिन आपको प्रैक्टिस तो करने की जरूरत है। आप एक अलग फोल्डर को सर्वर बना लेना, नहीं प्रैक्टिस करोगे तो आपके हाथ नहीं चलेंगे सही से। इसलिए आप सुरभि आपसे मेरा कहना क्या है कि आप एक नया फोल्डर बना लेना और नए फोल्डर के अंदर प्रोजेक्ट बनाना और उस प्रोजेक्ट के अंदर ये लाइन को एग्जीक्यूट करना होना चाहिए, प्रैक्टिस में होना चाहिए। विशाल कह रहा है रिकॉर्डिंग अवेलेबल हो जाएगी सर, ये जो लेक्चर है इसकी रिकॉर्डिंग मैं आपको दे दूंगा, मंडे ऑनवर्ड्स लेक्चर्स की रिकॉर्डिंग हम नहीं दे पाएंगे आपको। मैंने पहले भी कहा था कि आगे के ये जो पीछे वाले लेक्चर्स हैं मैं इसकी रिकॉर्डिंग आपको आज दे दूंगा।